तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो यूरोप महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है हंगरी। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है हंगरी। तो दोस्तों चलिए, ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हंगरी का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है, ये देश का प्रधान नदी कौन सा है और ये देश के अंदर स्थित है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा किताब। तो दोस्तों, हंगरी रेवोल्यूशन ऑफ 1956 कौन सा देश सपोर्ट करके योगदान दिया था और एस जयशंकर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इस देश के अंदर कब किया था और इसके पीछे का कारण क्या है, जम्मू कश्मीर मामले में ये देश कौन से देश की पक्ष में बात करता है और हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस देश को लेकर क्या कहा था, हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स के साथ बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है हंगरी, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 93.030 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 108 नंबर पे आ रहा है बड़े बड़े देश की लिस्ट में। तो दोस्तों, उत्तर में जो है स्लोवाकिया, यूक्रेन, पूर्व में जो है यूक्रेन, रोमानिया और इस देश की, दक्षिण में जो है सर्बिया, क्रोएशिया और इस देश के पश्चिम में जो है ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है हंगरी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास में बहुत सारा कंट्री आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये देश नाटो ज्वाइन किया है 12 मार्च 1990 में और ये देश यूरोपीय यूनियन ज्वाइन किया है 1 मई 2004 में। तो दोस्तों, ये देश का प्रधान जो नदी है वो नदी का नाम जो है दानूब नदी और ये देश का एक प्रधान वाणिज्यिक नदी आप कह सकते हो और ये देश एक ऐसा देश जो पूर्व मध्य यूरोप की वाणिज्यिक केंद्र ये देश, देश का नाम जो है हंगरी। तो दोस्तों, हंगरी का जो राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी, राजधानी का नाम जो है बुदापेस्ट, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी स्थित है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये देश की जो सीमा है वो सीमा जो है विभाजित किया गया है प्रथम वर्ल्ड वॉर में। तो दोस्तों हाँ, प्रथम वर्ल्ड वॉर में जो है यहाँ पर कह सकते हो ये देश की सीमा को निर्धारित किया गया है 1920 में। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की प्राण केंद्र या कह सकते हो देश की जो है राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों, कहाँ पर इंडियन एम्बेसी वो दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये देश का जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है अताली नोबाग, एक महिला प्रेसिडेंट इस देश की, जो 10 मई 2022 में जो है प्रेसिडेंट पद की शपथ लिया है, 46 ईयर्स की प्रेसिडेंट है। और इस देश की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है विक्टर ओरबान, जो एक पुरुष इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, 29 मई 2010 में जो है इस देश की प्राइम मिनिस्टर पद में शपथ लिया था, जिसका उम्र है 60 इयर्स। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इस देश के अंदर कहाँ पर इंडियन एम्बेसी स्थित है, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भाषा की बात करें तो हंगरियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, और धर्म की बात करें तो ये देश जो है एक क्रिश्चियन समूह देश है, 84.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, पानी की बात करें तो 3.7%। तो दोस्तों, ये देश का नागरिक जो है खुद को मजूर बुलाता है, इसके पीछे का कारण जो है एशियन जाजावर गोष्ठी से ये देश के नागरिक आता है और ये देश का, हाँ दोस्तों, हंगरी का फर्स्ट किंग जो है स्टीफन है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, देश का 65,11,000 हेक्टर जमीन जो है खेती होता है। हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर जो है गांव भुट्टा, यहाँ पर जो है आलू भी यहाँ पर जो है उगाया जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये देश के जो जंगल की एरिया है वो जो है 16,70,000 हेक्टर इलाका जो है फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये देश जो है हर साल 38.976 टन मछली पकड़ता है। हाँ दोस्तों, ये देश के अंदर ऑयल गैस, इस देश में जो है लिग्नाइट बॉक्साइट भी पाया जाता है। ये देश का रिश्ता और देशों के साथ अच्छा है, लेकिन कुछ देशों के साथ जो है इस देश का रिश्ता अच्छा नहीं है। वो देश जो है भूटान, ताइवान, सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भानुआतू और भी कुछ देश मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के छोटे छोटे शहर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश के बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ, दोनों देश की दूतावास जो है दोनों देश की राजधानी के अंदर मौजूद है और इंडिया हंगरी की जो रिश्ता वो इंटरनेशनल रिलेशन है और वो देश और इंडिया, हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है दो देश। तो दोस्तों, बुदापेस्ट में जो है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हंगरी की प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग भी हुआ था और इंडिया हंगरी 1948 में जो है दो देश के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, हंगरी रेवोल्यूशन ऑफ 1956 में जो है बड़ा योगदान दिया था इंडिया, सोवियत यूनियन के समय जो है 1990 से 2000 साल तक जो है हंगरी के राष्ट्रपति पद पालन किया था। तो दोस्तों, 2019 से 2010 के अंदर जो है 6 मंथ के अंदर 3 बार
दो देश की जो है बड़े बड़े एग्रीमेंट और मिनिस्टर की विजिट हुआ था। तो दोस्तों हाँ, ये जो है एक इतिहास के मानने पर लिखा गया है। तो दोस्तों हाँ, 2019 में जो है अगस्त एस जयशंकर और हाइड्रो पावर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इस देश के अंदर गया था, तब जो है बड़े बड़े एग्रीमेंट भी हुआ था। तो दोस्तों हंगरी में जो है 6 इंडियन डांस सिंगिंग और यहाँ पर कुछ ऐसा एकेडमी मौजूद है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश के बॉर्डर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर मामले में जो है 2019 में ये देश का एक बयान आया है जो भारत के पक्ष में था। तो दोस्तों 2 बिलियन इंडियन कंपनी इस देश में विनियोग किया है, इसलिए जो है 10,000 से ज्यादा हंगरियन जो है इस देश के अंदर काम करता है। तो दोस्तों इंडिया अगर हम विनियोग देखें वो जो है 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। 2019 में जो है 744.1 मिलियन डॉलर और 2020 में जो है जून जुलाई तक जो है 398.4 मिलियन डॉलर दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है। तो दोस्तों इंडिया से जो जो सामान जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान, मशीनरी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जाता है और हंगरी से जो जो सामान आता है वो जो है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और यहाँ पर टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहा था ये देश का रिश्ता जो है और इंडिया की रिश्ता जो है एक स्थिर रिश्ता है। तो दोस्तों हंगरी के दूतावास जो है इंडिया छोड़कर चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में भी मौजूद है जो कॉन्सुलेट है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, इसके नेशनल एंथम लिख दिया हूँ और इस देश के जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों ये देश की जो कैपिटल, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इस देश की राजधानी बुदापेस्ट और इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप ध्यान से देख लीजिए हंगरियन, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहां पर 42.5% यहां पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और ये देश की मौजूदा जो प्रेसिडेंट उसका नाम यहां पर लिख दिया हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, कातालिन नोवाक और इस देश की प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान। और इस देश कब कब कहां कहां से स्वाधीन हुआ था उसका समय या डेट यहां पर लिख दिया हूं, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा जो दुनिया के अंदर 108 नंबर पर आ रहा है और पानी की बात करो तो 3.7% जो इंडिया पर 9% टोटल जी डी पी यहाँ पर लिख दिया हूँ और करेंसी यहाँ पर भी लिख दिया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ड्राइविंग साइट राइट है और इस देश की जो कॉलिंग कोड प्लस 36 इस देश की कॉलिंग कोड है। तो दोस्तों ये देश की पॉपुलेशन की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए 96 लाख इस देश की पॉपुलेशन जहाँ पर इंडियन रहता है 1200 से ज्यादा। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है एक मैप दिखाती हूँ और ये देश और इंडिया कहाँ पर है एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश और इंडिया कहाँ पर है एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की राजधानी के आसपास बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत जगह की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा जहाँ पर टूरिज्म सबसे ज्यादा आता है इस देश की राजधानी बुदापेस्ट के अंदर। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी, हाँ दोस्तों राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के मौजूदा प्रेसिडेंट और इस देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर दोनों की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और इस देश की जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, गवर्नर ऑफिस भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अलावा ये देश की जो पार्लियामेंट वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो पॉपुलर ब्रिज वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, राजधानी के अंदर यही ब्रिज मौजूद है, बुदापेस्ट के अंदर सीधे ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, रनवे भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, ये देश की एक काला साज है जो हिटलर द्वारा किया गया है, वो काला साज जो है कह सकते हो हिटलर ने जो है 6 लाख से ज्यादा यहूदी को जो है यहाँ पर मृत्युदंड दिया था। तो दोस्तों ये जो है महिला, बच्चे, बुजुर्ग को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। अगर हम इतिहास के पन्ने देखें तो दोस्तों जो मृत्यु दिया गया है वो अगर हम देखें तो दोस्तों उसका जो तरीका बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों इतिहास पर आप देखेंगे यहूदी गणहत्या तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इंडिया और ये देश की जो प्रतिनिधि मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ दोस्तों दोनों देश की रिश्ता बहुत ही मजबूत है और यहाँ पर जो है एग्रीमेंट हुआ है उसका इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश का कौन कौन सी राज्य है ये जो है एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये देश के निवासी कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर रहता है और कौन सी भाषा बोलता है वो सारे जगह जो है यहाँ पर थोड़े थोड़े ग्रीन आपको नजर पे आ जाएंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश के मैप जो है पहले कुछ अलग था, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर रोमानिया लेकर जो है ये देश की मैप था, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ये देश का एरिया बहुत बड़ा था इतिहास की अगर हम पाने देखें तो। तो दोस्तों ऑरेंज कलर पर आपको नजर पे आ जाएंगे ये देश की जो राजधानी बुदापेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ और अलग अलग राज्य आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों बुदापेस्ट के अंदर बह के गया है ये देश के प्रधान
नदी। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, मैं आपको क्लाइमेट चेंज दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देश की हर जगह पर जो है रहने लायक जगह है, क्योंकि ये देश एक खूबसूरत देश है। ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश भी किया हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है, वो जगह जो है यहाँ पर ग्रीन कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के अगर हम फॉरेन रिलेशन की बात करें, तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता है ऐसा देश जो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश या अंचल जो है यहाँ पर सफेद आपको नजर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश में जो है पोर्नोग्राफी लीगल है, और 2013 में जो है न्यू दिल्ली के अंदर जो है एक इस देश के और इंडिया के बीच जो है बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, वो जो है कल्चर एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अंदर स्थित है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा किताब, हाँ दोस्तों एक बुक इस देश के अंदर स्थित है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बुक आपको नजर पे आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों इसके लिए जो है ये देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों ये देश की इस बुक जो है एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर सभी लोग देख सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है हंगरी के संपर्कित। सब कुछ और भी देश के संपर्कित आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।